हमने लिया है चिकन, उसमें डाल दे रही हूँ मैं दही, फिर उसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी और ये रेड चिल्ली पाउडर। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चिकन को मैरिनेट करके हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। ये मैंने लिया है कोरिएंडर लीव्स और एक टोमेटो, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में कुछ आलू फ्राई करने रखे हैं, फिर मैंने लिया है तेज़पत्ता और जीरा, फिर उसमें मैं जो स्लाइस करके अनियन रखी थी उसको डाल देंगे, फिर उसको अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम जो मैरिनेट करके चिकन रखे थे उसको डाल देंगे और अच्छे से उसको फ्राई करेंगे। ये मैं चिकन को कवर करके अच्छे से भून रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे उसको। यहाँ मैंने दो ठो गार्लिक लिया है, होल गार्लिक, उसको डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको वॉश करके ली हूँ मैं, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, चिकन हो या मटन हो जिसमें भी हो आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है बाद में उसको खाने के लिए। फिर मैं इसको कवर करके कुक करने रखती हूँ और देख सकते हैं कितना अच्छे से ये कुक हो रहा है, और गार्लिक का जो फ्लेवर है ना, बाद में आप खा के देखिएगा, अगर ऐसे ट्राई ना किया हो, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं जो कोरिएंडर पेस्ट था ना उसको डाल दे रही हूँ, और उसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से भुनेंगे सबको, जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा चिकन मस्त कुक हो रहा है, इसको और भी कुक करेंगे। और ये मैं चिकन मसाला जो है उसको थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, फिर इसको अच्छे से भुनेंगे। देख सकते हैं हमारा चिकन जो है अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो आलू रखे थे उसको डाल देते हैं, फिर और थोड़ी देर कुक करेंगे इसको। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी डाला है, आप अपने ग्रेवी जितना आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, मुझे सूखा सूखा ही रखना है तो मैंने कम डाला है। तो ये हमारा धनिया वाला चिकन बनकर रेडी है, चलो इसको सर्व करते हैं।